जो एक और जिसके साथ पहले सबका बीफ रहता था। दोनों साइड का मत देखो, ये मैं दोनों की साइड नहीं ले रहा। घमंड तो आज से ही है, तो भाई वाला उसका स्काउट रहता है, बहुत सारे लोग तुम्हारे वाले तो कैरी भी नहीं हो पाते उसको। सही में जेन्युइनली मैं रेस्पेक्ट करता था, बट वो बंदा सोल के पीछे पागलों की तरह वीडियो डालता। द इमोशन दैट दे हैव फॉर ईच अदर कैन बी स्क्रिप्टेड। ऑफिशियल बैंड प्लेयर बोल रहा है ना भाई, इसको एक चीज दिखा देता हूँ। स्नेहिल भाई को कंटेंट क्यों देते हो? स्नेहिल भाई को कंटेंट कोई देता नहीं है। जो लोग अच्छा खेलते हैं, जो लोग ट्रॉफी जीतते हैं, जो लोग #4 आते हैं, स्नेहिल भाई को उनकी गांड में घुसना रहता। चाहे तुम वो सोल ले लो या कोई भी ले लो, कोई भी अच्छा प्लेयर है अगर अच्छा खेल रहे तो। अरे वैसे उसकी गलती भी नहीं है यार, वो बेचारा कॉम्पिटिटिव नहीं खेलता है, उसको इतना आइडिया नहीं है गेम का, गेम का इतना नॉलेज नहीं है। तो अगर कोई बिना नॉलेज वाला बंदा होगा वो गेम देखेगा तो उसको तो क्या ही लगेगा, अरे हैकर है। ऑब्वियसली बात है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। चलता है, भाई ने सीधा वीडियो बना दिया। जैसे ही भाई ने वीडियो बनाया, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं ऐसे बैठा हुआ था अपना कुछ काम वाम कर रहा था, मेरे को मेरे दोस्त आके बोले कि अरे भाई इसने वीडियो बनाया। मैंने बोला अभी क्या वीडियो बनाया होगा भाई। वो बंदा इतना वेला कि वो पॉडकास्ट देखने बैठ गया कि जहाँ पे लेजिट के बारे में बोला, और वो पकड़ के डाल रहा है भाई, और वो एक एक चीज़ ऐसे छोटी छोटी पकड़ के डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई लेजिट तो खुद को प्रूव कर दिया लेन इवेंट में जाके, उसको तो वो मिल गया इतना बड़ा चेक अंडर गॉड का कि भाई जो खेल खेल के इंप्रूव करा है, क्राफ्टन के साइड से अप्रूव हो गया, भाई का पोपट हो गया, भाई के लिए कंटेंट ही नहीं बचा। तो भाई ने बोला कि अभी कोई नहीं, लेजिट से तो अपन हट गया, अभी प्रिंस भाई को टारगेट करते हैं और उनके एक एक वर्ड पकड़ते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने गलत गलत बोला है उसमें वो कर रहे हैं। अभी भाई उसको खेलना आता नहीं है, और वो बताओ अगर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके हाथ में दिया जिसको खेलना ही नहीं आता, जो कॉम्पी प्लेयर नहीं है। लौड़ा उसको कुछ समझ आएगा कि क्या है करा है नहीं, अगर स्मोक में मार दे बोलो स्मोक में मार दिया क्या मारा क्या मारा है, नहीं होता भाई ऐसा। चला एक बार वीडियो बना दिया, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार वीडियो बनाया जाने दो। भाई बंदा दूसरी बार बना रहा है, क्यों बनाना है भाई, क्यों बनाना है फालतू। जब बेंच उसका पोपट हो गया है, उसने इतना इतना लिख के बोला था कि लैन इवेंट में देख लेंगे, लैन इवेंट में देख लेंगे, प्रूव कर दिया है तो हार मान लो। अबे भाई वो बंदा सोल के पीछे पागलों की तरह वीडियो डालता था, माया भी ये माया भी वो, ग्लोबल स्पोर्ट्स हैकर, मान्य हैकर, नकुल हैकर, भाई क्या साला 3 ट्रॉफी मुंह पे मार दी भाई। लेजिट अगर हैकर है तो वो कैसे इतना ऑफिशियल में 1v4 करके ऐसा MVP में #3 पे आ सकता है बंदा। और तुम एक तरह जहाँ बोल रहे थे कि हमने तो क्राफ्टन से परमिशन ले लिया है लेजिट के लिए, वो तुमने अपने मुंह से हक दिया, तुमने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, खुद ही गलत साबित कर दिया। तो यार बेवकूफ बनाते हो क्या बिल्कुल ऑडियंस? अरे बेवकूफ बनाते क्या बिल्कुल ऑडियंस को? नहीं बनाते भाई, पहली बात कि जो भी मैंने बोला था लेजिट के बारे में वो सब मैंने प्रूव करा है, ऑडियंस को बेवकूफ तुम बना रहे हो। जो मन में आता है जब मन में आता है कुछ भी बोल देते हो। शक्ल देखो भाई, अब तुम बोलते हो कि शक्ल क्यों बनाता है, उसकी शक्ल देखो, रुको मैं जूम क्या ही जूम करूं, उसी को डिफेंड करने आ जाते हो और उल्टा खुद फंसते चले जाते हो अपने शब्दों के जाल में। तो बेवकूफ वो बंदा हुआ या आप हुए खुद, जब हमें पता है कुछ गलत ही नहीं है। अरे यार तू क्या बंदा है यार, मस्त बंदा भाई मस्त। कुछ भी बोलने से पहले यहाँ पे इंसेन अरेना भाई को क्रेडिट देना चाहता हूँ, दी इंसेन पॉडकास्ट चैंपियन जिन्होंने। ये इंसेन अरेना को क्रेडिट नहीं दे रहा है, ये उसकी चैट रहा है कि वो उसको कॉपीराइट ना दे दे। अरे बहन का बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन क्वालिटी वाला है, जो उनकी कैमरा क्वालिटी है, आवाज इतनी क्लियर रहती है, लाइटिंग इतनी बढ़िया रहती है, और जो स्टूडियो उन्होंने बनाया है इतना प्रोफेशनल। आई नो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है चीज करने के लिए, तो इंसेन अरेना भाई यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और 15-20 वीडियो बना दे मेरे पे, तू भी ये करेगा एक दिन। और यहाँ पे उसकी साइड से पर्टिकुलर कोई मिस्टेक नहीं थी, तो हमने बोला चलो ये खेल सकते हैं। फिर मैंने देखा लोग मेरे को बोलने लग गए कि भाई ये तो ऐसा है, तो हैकर की टीम को आप खिला रहे हो, हैकर की टीम में से एक बंदा लिया उसको खिला रहे हो, एक बंदा लिया उसको खिला रहे हो, तो हैकर है, हैकर है, हैकर है। अब मेरे को एक बात बताओ, एनिग्मा में एक शेगी था, शेगी हैकर था जिसकी वजह से एनिग्मा बैन हुई, फॉर एग्जांपल शेगी हैकर था उसकी वजह से एनिग्मा पूरी बैन हो गई, तो एनिग्मा को खेलने नहीं मिला। जैसे एनिग्मा को खेलने नहीं मिला, अभी रैक्स और एगी ये उनके 3 प्लेयर थे, उन दिनों ने अपना खेलना छोड़ दिया। वो भी तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से सैगी तो साफ साफ पकड़ा गया था हैकर करता हुआ, तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से ब्लैक्स ने भी हैक नहीं करा, वो भी तुम्हारे हिसाब से ठीक है। मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि ब्लैक्स ने हैक नहीं करा, मैंने इतना बोला कि मुझे पता नहीं है वो बंदा सही खेल रहा था, मैं उसको डिफेंड ही नहीं करूंगा, उसके बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं। और एक चीज भाई, ऑफिशियल बैंड प्लेयर बोल रहा है ना भाई, इसको एक चीज दिखा देता हूं, देखा ऑफिशियल बैंड प्लेयर बोल रहा है ना, इमर्जिंग स्टार, ऑफिशियल नहीं डाला है भाई, ऑफिशियल नहीं डाला है। अब उस बैंड का सिंपल चीज है भाई, देखो हमने लाइव जब आए थे हम स्नेहिल के साथ भी, तो हमने क्लियरली हम गेस कर रहे थे, हम चीज़ें गेस कर रहे थे, हमको भी नहीं पता कि रीज़न क्या था, हमने ऑफिशियल्स को कॉल भी करा था, तो वो लोग कह रहे थे जो पोस्ट में है वही है, जो पोस्ट में है वही है, तो हमने खुद से गेस करा कि भाई मैप दिखाया ये हो सकता है, ऐसा हुआ ये हो सकता है। और जो स्नेहिल भाई बोलते कि ये वो उनको ही हमने बताया था कि ब्लैक्स भाई की आईडी बैन हुई थी एक दिन के लिए, तो वो हमने रीज़न दिया कि ब्लैक्स भाई की आईडी एक दिन के लिए बैन हुई थी, जो कि किसी को नहीं पता था, हमने ही बताया, अगर हमें ऐसी चीज़ें दबानी होती तो हम बताते ही नहीं, तो हमने बोला वो भी एक रीज़न हो सकता है, बैन नहीं हुई थी, वो होता है ना क्या कहते हैं उसको, चेक के लिए एक दिन की फ्रीज होती है आईडी, वो हुई थी, तो उसके बाद उसके करेक्ट 6 दिन बाद अपने को बैन मिला, तो वो भी हमने रखा कि भाई ऐसा हो सकता है कि इस वजह से बैन मिला हो, पर हमें नहीं पता रीज़न क्या था। और बाद में जाके पता चला कुछ लोगों से भी बात करके, जो कि ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगा, कि तुम्हारी टीम में से जो जिसकी आईडी बैन हुई है, और आईडी बैन 1 साल की सिर्फ ब्लैक्स भाई की हुई थी, जिसकी तुम्हारी टीम में से आईडी बैन हुई है उसने हैक करा है, बाकी 3 प्लेयर 4 प्लेयर जो भी थे उनका कुछ आइडिया नहीं है, वो खेल सकते हैं, तब मैं खेलना मैंने स्टार्ट करा था, बस यही रीज़न था कि मैंने लिया था। और ये आपको पूरी स्टोरी इसने बता दी। ये सारी स्काउट कंट्रोवर्सी लिखने से आ जा रही है,
विद जोनाथन, जोनाथन मेरा अलग सीन था। आई थिंक यहाँ पे हम दोनों ही इमेच्योर थे, बहुत सारे लोगों के बारे में सुने थे, तो यहाँ पे एक जुगा ने बोले और मैं उसके आज भी, मेरे को खराब लगता है कि मेरे को स्टोरी नहीं डालनी थी, व्हाट आई फील विद लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य मेरा भाई जैसा है, इसके अपना भाई जैसा है वो। तो लक्ष्य के साथ क्या कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि उसने डायनेमो के फेवर में एक वीडियो बनाई थी एमुलेटर के टाइम पे, जब उसको आइडिया नहीं था लक्ष्य को कि क्या चल रहा है, वो बाद में रियलाइज किया और हम लोग की चीज़ें सॉर्ट हो गई। ये एमुलेटर के रिगार्डिंग था विद मावेरा केटन क्रॉन्टन, क्रॉन्टन कौन सा कॉन्ट्रोवर्सी मेरे को याद नहीं, घातक आपको था मोटल वाली, येस आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग इन मोटल्स केस, मेरे को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए थी उसके लिए। आई नो बहुत सारे आज भी ओजी फैंस हो मेरे से ट्रिगर्ड है, कम्प्लीटली फाइन, गलती करिए तो दुश्मनी भी पाल के रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम पिछले 6 महीने में 10 बार पोक किया होगा बंदे ने, मैंने कुछ नहीं बोला, अब जाके मैंने बोला क्योंकि सबको क्लियर दिख रहा है यार वो मेरे लिए, क्योंकि गॉडल तो क्वालिफाई होगी इस बार, थर्ड आई या सेकंड आई तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए तो होगा नहीं, जॉनी के लिए भी नहीं हो सकता क्योंकि जॉनी तो टॉप 3 फ्रैगर्स में था, तो था किसके लिए, कौन कैरी हो गया भाई, वो तो दिख जाएगा कौन लेवल टी है तीनों। यार गुमनाम देख, पहली बात तो तू है ही गुमनाम पहली बात, दूसरी चीज तुम्हारे वाले तो कैरी भी नहीं हो पाते, वो तो गिव अप ही कर जाते हैं, सामने भर देते हैं। और दूसरी चीज ये तो देखो मेरे साथ शुरू से होता है, अच्छा खेले मेरी टीम तो मैं कैरी हो रहा हूँ, बुरा खेले तो मैं लेवल टी है ना, ये तो बोलना पड़ता होगा क्यों पैट्रन, ये तो शुरू से मैं सुनते आ रहा हूँ। और दूसरी बात लानत है यार, ये तो बोलने की बात है, जो जब जिसको भी तू फॉलो करता है जो भी तेरा आइडल है वो बेचारा कैरी भी नहीं हो पा रहा यार, इससे शर्मनाक चीज और क्या होगी यार, छी यार नहीं लगता तो फिर जीगॉड रेड भाई, मेरे को जीगॉड लॉल जी सब को, मेरे को बहुत जीगॉड को मैं अप्रिशिएट पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने जीगॉड को रेड करा था। लॉल आई डोंट थिंक कोई इंडिया में ऐसा क्लासिक प्लेयर जो लॉल जीता मारता होगा, और लॉल जो मैं बहुत अच्छा रिलेशन शेयर करते, जैसे मैं और गेमर फिट करते हैं हम सोशल मीडिया में नहीं दिखाते, सेम मैं और लॉल्स करते हैं हम सोशल मीडिया में नहीं दिखाते, सेम चीज़ें। और मैं कोई ऐसा गॉडेल फैंस को प्लीज करने के लिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्टेट आपको अभी बोलता हूँ, मेरा और जॉनी का रिलेशन वैसा है नहीं है, पहले ऐसा है बस प्रोफेशनल है, मेरे फ्यूचर में कैसा होगा किसको नहीं पता है, जैसे घातक मेरा एकदम कट्टर वाला था पहले, घातक का मैं दोस्त बन गया आज, कुछ भी हो सकता आगे जाके उसको, सही में जेन्युइनली मैं रिस्पेक्ट करता था, बट पता नहीं मेरा नाम क्यों लिया उसने, या तो भाई अलग ही ग्रजेस होंगे कि जीत नहीं पाया या पता नहीं किस चीज़ का है, बट मेरे को तो बड़ा यूजलेस लगा वो चीज़। पास्ट में सब कुछ सबने देख लिया एंड बहुत बहुत एक चीज़ मैं बड़ा हैरान होता हूँ देख के कि जो एक और जिसके साथ पहले सबका बीफ रहता था, सभी की बैड बुक्स में रहती थी क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ से इंस्टिगेट होता था, दैट ऑर्ग इज डूइंग एक्सेलेंट एंड डूइंग इज गिविंग नो फक्स टू वट एवर इज गोइंग अराउंड, नीदर एनी बडी फ्रॉम देयर ऑर्ग इज कमिंग बिटवीन एंड पोकिंग थिंग्स इन बिटवीन एंड टेकिंग दीज थिंग्स, तभी उनका आगे बढ़िया भी हो रहा है। बट नाउ विल ट्राई कि ऐसे ड्यूअल में भी चीज़ें क्लीन रहे इसके बाद, इस मैटर के बाद वाइट विल टेक दीज थिंग्स सीरियसली। और मैं अभी भी बोलूँगा जाके मसाला देखना मत जाना, नेगेटिविटी आती है दिमाग में, ख़राब थॉट्स आते हैं, योर तो दोनों साइड का मत देखो, ये मैं इसमें ना मुझे कोई स्काउट से दुश्मनी है मावी से दुश्मनी है, जो जानने वाले हैं वो जानते हैं, जा रहे मोटे सो जा विशाल भाई, वो आपकी मम्मी भी बोल रहे 2 घंटे बाद आने के लिए, तो मैं 2 घंटे टाइम मैं दोनों की साइड नहीं ले रहा, दोनों जो जानते हैं वो जानते हैं कि मैं दोनों को कितना दिल से मानता हूँ। चलो गाइस, जो हमारा फोर्थ प्लेयर होने वाला है वो है ट्रेस गॉड, ट्रेस गॉड आ जाओ, झुक जाओ। अरे ओ शिट, अब पता लगा इसे क्यों लिया हमने, गोद पे बैठ जाता है बंदा, इतना तगड़ा खेलता है। एक कौन से टूर्नामेंट में एमवीपी बना था तू, बहुत ओके घमंड तो आज से ही है, तो भाई इसका करियर जाने वाला है बहुत जल्दी, जो आदमी बचने लगता है ना हम्बल होना चाहिए। गाइस मैं पीआर ट्रेन कर रहा हूँ आपके सामने, तो कभी भी अगर स्ट्रीम पर आपसे आपको हम्बल रहना, ठीक है, कोई बोले अरे आप कितना अच्छा खेलते हो, नहीं नहीं कहा मुझे स्काउट भाई ने सिखाया है, ठीक है सुनो मेरी बात, फिर स्काउट जो फैन होंगे अरे ट्रेस भाई कितने हम्बल है स्काउट भाई, ठीक है इसलिए तुम हम्बल हो। हाँ, और ट्रेस गॉड कैसे लग रहा हमारे साथ खेल के, मतलब देखो मैं बताता हूँ, हर एक अंडरडॉग रहता है उसका कहीं ना कहीं एक फेवरेट जो प्लेयर रहता है स्काउट रहता है, और अगर कोई जिसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा हो उसका सेंसे भी रहता है, क्योंकि आईजीएल वाली बात आ जाती, समझ रहा है, और एग्रेसिव बिल्कुल मारने वाला उसका स्काउट रहता है, बहुत सारे लोगों का एग्री करते नहीं करते, हम थ्री मैन ही खेलते गाइस, हमें आईजीएल से फर्क नहीं पड़ता, सही बात है, मतलब ये भी मुझे असॉल्टर में गिनना चाहते हैं तो अपनी तारीफ क्या ही करो, तो ये कभी सोचा था कभी स्काउट भाई के साथ कभी सेंसे भाई के साथ खेलने को मिलेगा, कोई बोल रहा हूं ना थ्री मैन खेलते हैं स्काउट और सेफ की बात कर रहा हूं, अभी परफॉर्मेंस हो सकता है कि अच्छी देखने को ना मिले, क्योंकि हम बहुत सारी जो चीजें, मैं खुद एज एन आईजीएल मैं अपने गेम में बहुत चेंजेस ला रहा हूं, मैं अलग तरीके से खिलाने का ट्राई कर रहा हूँ, जिसमें मतलब
मुझे F1 ना डालने पड़े, मेरे टीममेट्स आज डाले, और स्ट्रेटजी में थोड़े फेर बदल आपको देखने को मिलेंगे। स्काउट का एक्सपीरियंस जो है मुझे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, मानते नहीं मानते बात, स्काउट का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका जो दिमाग चलता है, और हम अपनी जो स्किल्स हैं उसे ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ये दोनों एंट्री स्प्रे कुछ भी अच्छा करते हैं, स्काउट का कवर कॉल क्लोज सब सही है, बस एक, हाँ, बस अब मेरा ढूंढना बाकी रह गया, ठीक है। तो उनका तो इन सब का एक दिन में पता लग गया था, और मुझे मतलब 3 हफ्ते हो गए अभी भी हम ढूंढे रहे कि सेंसे में से क्या बात है। स्काउट और मावी वाला जो भी मैटर है ये बहुत प्यूनी मैटर है, और इस पर मेरे को मतलब मेरे तो नज़र में भी नहीं आया ये चीज़ अभी तक, इतना छोटा बात है ये शायद, तो देर इज़ नथिंग दैट आई हैव टू से और हैव एन ओपिनियन अबाउट इट। जिस दिन टेलीविजन पे आएगा कोई कंट्रोवर्सी उस दिन मैं उस पे अपनी राय दूंगा। द इमोशन दैट दे हैव फॉर ईच अदर कैन बी स्क्रिप्टेड, नहीं स्क्रिप्टेड तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ हो सकता है कि कुछ लोग या तो ऑडियंस में या कम्युनिटी में जानबूझ के उनको पोक करके ये इनसाइट कर रहे हैं, बट स्क्रिप्टेड तो डेफिनेटली नहीं है।